नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तरतारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं रीजनिंग पार्ट टू। रीजनिंग पार्ट वन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चनों के बारे में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2600 क्वेश्चन से। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहाँ से आप क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ से आप रीजनिंग के क्वेश्चनों की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2600 है, इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन बता चुका हूँ और 2600 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2600 है रीजनिंग का। यदि काइंडली को एक कूट भाषा में, ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो काइंडली को एक कूट भाषा में लिखा जाता है इल्डनिक, तो उसी कूट भाषा में एग्जोटिक को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कैसे करना है आपको। काइंडली को लिखा गया है इल्डनिक, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है काइंडली को, ठीक है। जैसे ई लास्ट में है तो यहाँ ई फर्स्ट में कर दिया, या लास्ट सेकंड में है तो यहाँ एल सेकंड में कर दिया, उसके बाद डी तो डी यहाँ पे थर्ड में कर दिया। तो एग्जोटिक को क्या लिखा जाएगा, इसी टाइप से लिखना है। तो सी पहले आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर ई आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बैठ रहा है, सीटॉक्सी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। हरी आयु में चमन से बड़ा है, विजय सतीश से बड़ा है, मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है, किंतु चमन से बड़ा है और सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्रम से लगाना है सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हरी आयु में चमन से बड़ा है, सबसे बड़ा है हरी, किससे बड़ा है, चमन से बड़ा है, और चमन से छोटा कौन है, तो यहाँ पे दिया गया है सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है। इसका मतलब सतीश क्या है, चमन से छोटा है। अब देखो यहाँ पे विजय सतीश से बड़ा है, जो विजय है वो सतीश से बड़ा है, और मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है। तो जो मुकेश है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, किंतु चमन से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे मुकेश एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटा कौन है, सतीश आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, सतीश क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। दोनों उसमें क्या आ रहा है, सतीश सबसे छोटा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से कौन सा शब्द, जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इस सबसे नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन में करने क्या है, सबकी मीनिंग चेक करनी है, ठीक है। अब इनमें जो मीनिंग नहीं मिलेगी इन ऑप्शनों में, कोई एक एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक मीनिंग ऐसी है, ये एक या दो मीनिंग ऐसी है जो इसमें नहीं होगी, ठीक है, जो ऊपर आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, देखो मोर्टेज, AROMA, ए यहाँ पे है, आर है, ओ भी है, एम भी है, और डबल ए इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ए क्या है, डबल बार है, इसमें ए सिर्फ सिंगल बार है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इससे नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ए और ए दो बार आ रखा है, जबकि यहाँ पे ए क्या है, एक ही बार है आपके पास, जो आपका क्या है प्रोडक्ट है, जो सॉरी जो आपका क्या है, जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए दो आपको ए चाहिए, लेकिन जो आपके पास दे रखा है उसमें आपके पास एक ही ए है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये जो एरोमा है वो मोर्टिस से नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। देवेंद्र आयु में राजेंद्र से 4 वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष बाद देवेंद्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना और राजेंद्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना होगी, तो 16 वर्ष बाद राजेंद्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। मान सपोज देवेंद्र की जो आयु है वो क्या है, एक्स वर्ष है अभी वर्तमान आयु, ठीक है, और राजेंद्र की क्या है, वो है वाई वर्ष, ठीक है। अब क्या है, तो वर्तमान आयु जो है, देवेंद्र आयु में राजेंद्र से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो जो देवेंद्र है आयु में राजेंद्र से 4 वर्ष बड़ा है, तो देवेंद्र की वर्तमान आयु क्या है, अभी एक्स है, वो क्या है, राजेंद्र से 4 वर्ष बड़ा है, y+4, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y+4, वाई उसकी वर्तमान आयु राजेंद्र की प्लस 4 वो कितनी हो जाएगी, देवेंद्र की वर्तमान आयु के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 वर्ष बाद, यानी x+16 कितना है, 16 वर्ष बाद देवेंद्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना है, वर्तमान आयु उसकी क्या है, एक्स है, 3x, एक्स प्लस 16 वर्तमान आयु, देख 16 वर्ष बाद तो वर्तमान आयु से 16 वर्ष बढ़ाना आपको, +16 इक्वल टू कितनी हो रही है, 3 × x, यानी उसकी वर्तमान आयु से 3 गुना, ठीक है। तो x को अगर इधर ले जाएंगे तो 16 इक्वल टू आ जाएगा 3x - x इक्वल टू 2x, तो 16 इक्वल टू आ रहा है 2x, x इक्वल टू आ जाएगा 16/2 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू आ रहा है आपका 8, ठीक है, x आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है कि उसकी वर्तमान आयु की आपको क्या करना है कि देखो एक्स इक्वल टू आपको मिल गया है और आपके पास आया था 16 + x इक्वल टू 3x, यानी एक्स उसकी वर्तमान आयु थी 16 वर्ष बाद क्या है, उसकी वर्तमान आयु की
3 गुना है, तो एक्स आपको मिल गया, तो 16 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू 8, तो 16 8 24 आ रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो 24 क्या है, देवेंद्र की आयु है, जबकि राजेंद्र जो राजेंद्र की आयु आयु हो देवेंद्र क्या है उससे 4 वर्ष बड़ा है, तो जब देवेंद्र की 24 है तो राजेंद्र की क्या आ जाएगी, -4, राजेंद्र की आ जाएगी 20 वर्ष, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, देवेंद्र, ठीक है। तो 16 वर्ष बाद जो राजेंद्र की आयु वो क्या है 20 वर्ष है, और जो देवेंद्र के वो कितने हैं 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये रिक्त स्थान है जो लुप्त संख्या है वहाँ पे इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8 7 5 10 7 इसमें ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इसमें फिट बैठ सके, ठीक है। तो ऐसे में भी रिलेशन हो सकता है और ऐसे में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको लगाना है किस टाइप में ये रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हो 8 प्लस 10 बटे 2, 10 8 18 इक्वल टू 9 आ रहा है, इसमें और इसमें यहाँ पे ऐसे में रिलेशन दिया गया है, ठीक है। 8 प्लस 10 बटे 2 9 आ रहा है, 7 7 14 बटे 2 7 आ रहा है, और 5 5 5 सॉरी 5 प्लस 5 बटे 2 कितना आ रहा है 10 बटे 2 इक्वल टू 5, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन कैसे में है, ऐसे में है, ठीक है, तीनों में सेम रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 9 5 4 10 यहाँ पे भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें से किस टाइप का रिलेशन है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये रिलेशन ऐसे में दिया गया है, इसका जो राइट आंसर कैसे आ जाएगा, 9 प्लस 5 माइनस 4, 9 5 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे 8 प्लस 7 माइनस 6, 8 7 15 6 इक्वल टू 9, और 12 प्लस 6 18 माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 10, तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो यहाँ पे है बालू का घर शाम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है, बालू शाम के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में रहता है, राजू बालू के घर से 600 मीटर दूर उत्तर पूर्व में रहता है, और शाम का घर राजू के घर से किस दिशा में, शाम का घर राजू के घर से किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखानी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है पूर्व, ये है पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। अब देखो क्वेश्चन को ढंग से समझो कि बालू का घर है जो वो शाम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है, बालू शाम के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम, क्या है दक्षिण और पश्चिम क्या है, ये दक्षिण है पश्चिम है, ठीक है, ये दक्षिण है पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 300 मीटर दूर है किसका घर, बालू का घर, ठीक है, ये बालू का घर 300 मीटर की दूरी पर है किससे, शाम के घर से, शाम का घर माना यहाँ है, ठीक है। और राजू का घर बालू के घर से 600 मीटर दूर उत्तर पूर्व माना इस दिशा में, ठीक है, 300 ये हो गया, 300 ये हो गया, ठीक है। तो 600 मीटर किसका है यहाँ पे, राजू का, किससे, बालू से। तो ये पूछ रहा है कि जो क्या है सामो का घर है राजू के घर से किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो जो सामो का घर, ये सामो का घर यहाँ पे है और राजू का घर यहाँ से है, तो जो सामो का घर है राजू का घर के घर से किस दिशा में है, तो ये सामो का घर इधर और राजू का घर इधर, तो इधर यानी ये है दक्षिण और पूर्व दिशा में, ठीक है, राजू के घर से इधर ना, तो दक्षिण और पूर्व दिशा में, ठीक है। तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा कि जो शाम का घर है राजू के घर से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध है। अब देखो रमेश और अमित, रमेश अमित आपस में क्या है, भाई है, जबकि अमित है जो वो है सुषमा का पुत्र है, तो इसका मतलब रमेश, जब देखो सुषमा का पुत्र है अमित, और अमित और रमेश क्या है, भाई है, तो रमेश और सुषमा का संबंध क्या है, ये है, ये संबंध है पुत्र का, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सुषमा का पुत्र कौन है, रमेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो समीकरण, इसको हमने पहले देखना है कि किस आधार पर ये हल किए गए हैं। 3 × 5 × 7 = 15, ये बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो लेकिन ये बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, 3 प्लस 5 8 5 3 8 प्लस 7 15 हो रहा है, यहाँ इसका मतलब गुणा की जगह पे प्लस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। 2 प्लस 4 प्लस 6 4 2 6 6 12, तो उसी प्रकार 4 प्लस 7 प्लस 9 ये वाला, ठीक है, तो 7 4 11 9 20, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आ गया क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35। अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर, देखो पहले हम यहाँ पे भी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये है पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो जो अरुण है उत्तर की ओर
30 मीटर चलकर अब ये बाएं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, फिर वह 30 मुड़कर 30 मीटर जाता है, कहाँ मुड़ता है, बाएं और फिर 30 मीटर मुड़ जाता है, ठीक है, और अंत में वह बाएं और मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर ये 50 मीटर चलता है। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पड़ता है, तो ये है 35 का जो राइट आंसर है वो आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 10 मीटर, ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, 10 मीटर, ठीक है, तो इस प्रकार इसको निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, यदि ए का अर्थ है जोड़ना, एम का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग और जी का अर्थ से संकेत अधिक, जी का अर्थ क्या है, अधिक है, ठीक है, मतलब कैपिटल साइन, ठीक है, इससे अधिक, और एल का अर्थ क्या है, कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तार्किक रूप से बिल्कुल सही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, देखो, 4A का अर्थ क्या है जोड़ना, 3M का अर्थ है गुणा, 2 और L का अर्थ क्या है, ये है L का अर्थ है से कम, तो ये कम है, और 4D का अर्थ क्या है, यहाँ पे D का अर्थ है भागे भागे, और यहाँ पे 2 और M का अर्थ है फिर गुणा 6, ठीक है, तो अब देखो इसको हमें हल करना है, तो 4 3 7 पहले गुणा होगा, 3 2 6 4 यहाँ पे आ रहा है 10, छोटा है 2 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 6 2 12, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अविनाश दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, वह दाएं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, वह फिर बाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो जो 37 वाला है उसका आपको कैसे करना है, देखो अविनाश ने क्या किया, अविनाश दक्षिण की ओर, यहाँ पे पहले डायरेक्शन दिखाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो अविनाश दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर ये चला गया, ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ा, तो दाएं ओर उसका इधर होगा और 1 किलोमीटर ये चला, ठीक है, फिर वह ये किलोमीटर, ठीक है, वह फिर दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया, जहाँ पे जो उसने यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर और फिर 1 किलोमीटर और, वह अपने प्राइमरी स्थान किस दिशा में है, तो प्राइमरी स्थान उसका यहाँ तो किस दिशा में है, वो है उत्तर पश्चिम दिशा में, तो इसका 37 का जो आएगा वो उसका सी ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चला 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर यहाँ, ठीक है, और सॉरी 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो ये हो गया, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक है, तो जी यहाँ पे 24*2*4*3, तो यहाँ पे हैं ये नीचे वाले चिन्ह हैं जो ऑप्शनों में दिए गए वो आपको लगाने हैं, तो कौन सा बिल्कुल सही होगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, को कैसे आ रहा है, 24/2 इस स्टार का मतलब है इक्वल टू 4 और इसका इस स्टार का मतलब है गुणा और 3, देखो 2/24 12 इक्वल टू 4 3 12, ठीक है, तो आगे ना सही, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये आपको पहले पढ़ना है इसका नोट, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष, फर्स्ट एंड सेकंड दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, ठीक है, आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात कथनों से भिन्न प्रतीत होते हों, आपको करना है विचार करना है, आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है, ठीक है, आपको बिल्कुल करेक्ट निष्कर्ष आपको यहाँ पे देखने जो ऑप्शन में दिया गया होगा कि बिल्कुल करेक्ट निष्कर्ष कौन है, ठीक है, तो देखो कथन ये दिया गया है कि सभी लेखक वकील हैं और सभी पाठक क्या हैं, वकील हैं, सभी लेखक भी वकील हैं और सभी पाठक भी क्या हैं, वकील हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे ये तो कथन थे, अब यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए हैं कि कुछ वकील पाठक हैं और कुछ पाठक लेखक हैं, तो इन ऑप्शनों में से कौन सा बिल्कुल राइट है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, इसका मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, इसका बी ऑप्शन है केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, और फोर्थ है न निष्कर्ष फर्स्ट सही है और न निष्कर्ष सेकंड सही है, तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको कथनों को समझना पड़ेगा। अब देखो सभी लेखक वकील हैं और सभी पाठक वकील हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास तीन लोग हैं, वकील लेखक और पाठक, तो जो सभी लेखक वो भी वकील हैं और सभी पाठक वकील हैं, ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले आपको करना है ये हैं वकील, और वकील में क्या आते हैं, सभी जो लेखक हैं वो भी वकील हैं और सभी पाठक, यहाँ पे पी लिख देते हैं और यहाँ पे एल लिख देते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष देखो, कुछ वकील क्या हैं, पाठक हैं, तो ये देखो ये है वकील, कुछ वकील क्या हैं, पाठक हैं और कुछ वकील लेखक हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि सेकंड निष्कर्ष क्या है, कुछ पाठक हैं वो क्या है, लेखक है, देखो ये पाठक है, पाठक तो वकील तो हैं कुछ पाठक, लेकिन लेखक बिल्कुल नहीं, इसलिए ये बिल्कुल गलत रॉन्ग निष्कर्ष है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल जो निष्कर्ष 1 है वो क्या है निकलता है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, समझ में आ गया होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41 जो उसी टाइप का क्वेश्चन है ठीक है, जैसे ये 39 था। तो कथन दिया गया यहाँ पे, लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है और वह क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए दो, सभी सुंदर लड़कियाँ बुद्धिमान होती है और सुंदरता और बुद्धि अच्छाई की आवश्यक है। तो इसमें से कौन सा राइट है, निष्कर्ष ये है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है या निष्कर्ष 2 निकलता है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, या निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कथन है आपको समझना है कि लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है और वह बहुत अच्छी है। इस कथन के अनुसार ये निष्कर्ष उनमें से कौन राइट है। ठीक है, तो सभी सुंदर लड़कियाँ बुद्धिमान होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये जरूरी नहीं कि सभी सुंदर लड़कियाँ बुद्धिमान होती है। और सेकेंड है, सुंदरता और बुद्धि अच्छाई की आवश्यक तत्व है, ये भी जरूर नहीं है, क्योंकि जो सुंदर नहीं होगा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, निष्कर्ष 1 सही है और निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है 14, 28, 20, 40, 32, 64। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जो लुप्त संख्या है उसको चुनना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखो पहले आपको इस जो क्वेश्चन दिया गया उसमें रिलेशन देखना है कि किस टाइप से जो ये आगे जो गिनती शुरू हो रही है 14, 28, 20, ये किस टाइप से बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो कैसा रिलेशन है इनमें। सबसे पहले 14 × 2 इक्वल टू क्या है, 28 आ रहा है ना, 28। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है 28 − 8 इक्वल टू 20, फिर है 20 × 2 = 40, और फिर है 40 − 8 इक्वल टू 32 गुणा 2 फिर −8 का ऑप्शन। ठीक है, देखो गुणा 2 और −8, 28 − 8 = 20, दोनों 40 − 8 = 32, दोनों 64 − 8 कितना होगा, 64 − 8 यानी ये आ जाएगा इसका 56। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 64 − 8 = 56। क्वेश्चन नंबर 42 है 1.5, 2.3, 3.1 और 3.9। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 40.7। कैसे आएगा देखो, इनमें जो देखो 1.5 + 0.8 इक्वल टू आ जाएगा 2.3, फिर अगर इसमें आप +0.8 करेंगे तो 3.1 आएगा। सब में क्या है, +0.8 जोड़ना है आपको। ठीक है, तो 3.9 में आप +0.8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.7। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। LXF, MTG, NPN और OLR। तो नेक्स्ट जो विलुप्त संख्या यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो जो यहाँ पे आपको देखना है पहले L, फिर क्या है +1, L +1, M फिर +N। देखो L, M, N, O, X, T, P, L। तो जो X -4 तब आ रहा है T, फिर आ रहा है -4 तब आ रहा है P, और फिर आ रहा है -4 तब आ रहा है L, और इसी प्रकार F+4 इक्वल टू J आ रहा है, J+4 इक्वल टू N आ रहा है, और N+4 इक्वल टू आ रहा है V। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, देखो पहले आपको पहले वाले में आपको क्या करना है, L, M, N, O, P आ रहा है पहला बार। ठीक है, तो पहला P वो सामने दिया गया है। X में आपको नेक्स्ट में क्या करना है, X-4 आ रहा है T, T-4 P, P-4 L, और L-4 आ जाएगा H, और F+J+4 आ रहा है J, J+4 आ रहा है N, N+4 आ रहा है R, और R+4 आ जाएगा V। तो PHV इसका C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। BDF, CFL और DHL। तो इसमें जो विलुप्त संख्या वो क्या आएगी, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा राइट आंसर, पहले क्या आएगा यहाँ पे, तो पहले देखो B+1 है C और D, BCD। तो इसका जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, BCDE आएगा। ठीक है, ई तो ई सम इन, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये इनमें से कोई सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं DFH। तो D+2F, F+2H और H+2 क्या होता है, वो होता है आपका J आ जाएगा सेकंड, और फिर आ रहा है FIL यानी F+3I, I+3L और L+3 क्या होता है, O। तो EJO इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ALN, DNR और GPR। तो आपको उसी टाइप का रिलेशन देखना है जैसे ऊपर है, और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी JRT इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उसी टाइप से जैसे मैं पिछले जो ये दो तीन क्वेश्चन थे वे भी उसी टाइप का, इसमें रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 में पहले पार्ट में आ चुका हूँ और 20 ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।